टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती सकाफती सियाती मंसूबों के साथ साथ वहां की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। ये न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ पेश किया जाता है। दिवाली की शुभ घड़ियों पर हमारी तरफ से भी आप सबको दिवाली मुबारक। जहां दिवाली व्हाइट हाउस अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक मनाई जा रही है, वहां भारत के जम्मू कश्मीर में भी दिवाली के दिए रोशन हैं। बुडगाम में तो दिवाली का बकायदा मेला लग रहा है। बुडगाम में इस दिवाली मेला की तैयारियों के हवाले से ANI की खुसूसी झलकियां देखिए। हमारे BSF के जवान, SO ऑफिसर, सभी की फैमिली मिलकर आज यहाँ पे दिवाली मेले में दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे जवान जो LC पे 24/7 दिन रात मेहनत करते रहते हैं, उनकी बहुत सारी फैमिलीज यहाँ रहती हैं। उन फैमिलीज के साथ हम ये दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि फोर्स के अंदर बॉन्डिंग और अच्छी डेवलप हो, कॉमराडरी और अच्छी डेवलप हो, और हम एकजुट होकर जिस भी तरह के चैलेंज हम फेस करें उसको सामना बहुत मुस्तैदी से कर सकें। देखिए, विंटर शुरू होने से पहले कोशिश होती है कुछ इन्फिल्ट्रेशन की है, तो हमारे पास लगातार इंटेलिजेंस इनपुट आते रहते हैं और उन इंटेलिजेंस इनपुट को एनालाइज करके हम अपना डोमिनेशन प्लान और उसको कैसे थ्वार्ट करना है उसकी प्लानिंग करते हैं, और वो बड़े अच्छे से हमने इस बार की भी है। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि दूसरी तरफ से कोई भी अटेम्प्ट होंगे तो हम उसको फेल करने के लिए एकदम अच्छे से तैयार हैं। बहुत इंजॉयफुल है, और खासकर हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रहने वाले मेंबरों को कभी कभी हमारे लिए होली दिवाली का एक अवसर मिलता है, जिसमें हमें बताना चाहते हैं कि हम जो जवान हैं बॉर्डर में रहते हुए अपने फैमिलियों से, अपने परिवार से, अपने लोगों से दूर रह के भी कभी कभी हमें अवसर मिलता है कि हमें बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत इंजॉयफुल है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ आज दीपावली के मेले का। बहुत अच्छे से इंजॉय उठा रहे हैं हम सभी फौजी फैमिली, सभी लोग अच्छे से दीपावली का अच्छे से आनंद उठा रहे हैं। यहाँ हम लोगों को 3 साल रहते हो गया, हम लोग बहुत बहुत अच्छे से इस मेले का आनंद उठाते हैं और सभी लोग बहुत अच्छे से मिलजुल के दीपावली का पर्व मनाते हैं। बहुत अच्छी है हमारी IG मैम भी, बहुत बहुत अच्छी हैं, उन्होंने बहुत हम लोगों का एंजॉय कराती हैं, सभी फैमिली वालों का अच्छे से केयर करती हैं, हर चीज अच्छे से ध्यान देती हैं, हमारी प्रॉब्लम सभी प्रॉब्लमों का सलूशन वो करती हैं अच्छे से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर की पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शहला रशीद की किताब रोल मॉडल्स, इंडियन मुस्लिम्स की इंस्पायरिंग स्टोरीज का अफ्तिताह किया।
शैला रशीद ने अपनी इस किताब में भारतीय मुसलमानों की उन कहानियों को उजागर किया है जो मुस्लिम समाज के लिए रोल मॉडल का दर्जा रखती हैं। देखिए, हमने जो पोस्ट 9/11 वर्ल्ड है उसमें हमने देखा कि एक मुस्लिम्स के खिलाफ एक बहुत स्टीरियोटाइपिंग, प्रेजुडिस, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। लेकिन एज अ मुस्लिम कम्युनिटी भी हम लोग सिर्फ उसके बारे में कंप्लेन ही करते रहते हैं। हम लोग कभी खुद से कोई अपना पॉजिटिव पोर्ट्रेयल नहीं करते, यानी हमारी कम्युनिटी से जो लोग निकले हैं उनके बारे में हम लोग कभी बात नहीं करते। तो ये जो किताब है इसमें आपको कई सारे जो बाशऊर नाम है आपको मिल जाएंगे। अब कई लोग को आप जानते होंगे, जैसे AR रहमान, सानिया मिर्ज़ा, हुमा कुरैशी, उनको कौन नहीं जानता, उनको सब लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जैसे एक डिसेबल्ड स्विमर है जो वर्ल्ड नंबर वन है 2 स्विमिंग इवेंट्स में, तो उनके बारे में कोई नहीं जानता। एक डॉक्टर हैं जिन्होंने एक मतलब ऐसा कैंसर का ट्रीटमेंट निकाला है जो हिंदुस्तान में कोई और नहीं कर रहा। तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी अपनी कम्युनिटी का पॉजिटिव साइड दिखाएं। डल लेक श्रीनगर में कश्मीर की बेटियों ने हिस्ट्री का नया बाब लिखा है। 143 औरतों ने कश्तियों की रेस में हिस्सा लिया। इस रेस का मकसद जहां टूरिज्म को प्रमोट करना है, वहां विमेन एम्पावरमेंट का भी एक मजबूत इजहार है। ANI के कैमरों की मदद से इसका हाल देखिए। आज जो ये हिस्टोरिकल फर्स्ट एवर ट्रेडिशनल डेम्बोट रेस हो रही है जिसमें 143 गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 75 बोट्स, ये पहली बार इतिहास में अगर देखा जाएगा इतनी नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन है। और खासतौर वुमेन के लिए ऐसा इवेंट पहली बार हो रहा है जिसमें सिर्फ वुमेन पार्टिसिपेशन है। और इस इवेंट से एक बूस्ट मिलेगा वुमेन स्पोर्ट्स को, खासतौर वाटर स्पोर्ट्स की अगर बात करेंगे। वाटर स्पोर्ट्स ने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे रियासत को दिए और हाईएस्ट मेडल विनिंग गेम है। और अगर देखा जाएगा इतनी खूबसूरत डल लेक में ये इवेंट हो रहा है
और मुझे लगता है कि ये इवेंट इतिहास बनाएगा और आने वाले दौर में इसको हम एनुअल इवेंट बनाएं। जैसे आप देख रहे हो केरला में एनुअल बोट्स रेस होती है, वैसे इस इवेंट को एनुअल बनाएं। आज ये पहली बार हुआ है डल में कि ये रेस हुई है, बोट रेस, डम बोट रेस, और हमें आगे इससे प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। बस कितना अच्छा लगा आपको? बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो आपने कोशिश की थी? जी जी, हमने बहुत कोशिश की थी आगे आने के लिए, ये पहली बार हुआ है कश्मीर में। तो आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा ये आगे जाके? जी, ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है कि हमें ये मिल रहा है। जी, और हम थैंक्स करना चाहते हैं बिल्कुल मैम का कि उसने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है कि लड़कियों के लिए, और ये वाटर स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के हवाले से अब हम आपको इको टूरिज्म की कोशिशों की झलकियां भी दिखाते हैं। बांदीपुरा में 48 होम स्टे कायम किए गए हैं जिनके जरिए नई जॉब्स भी निकल रही हैं। जिला बांदीपुरा को टूरिज्म मैप पर लाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अंथक कोशिश कर रही है ताकि इस जिले को टूरिज्म के मैप पर लाया जाए।
नंबर एक हमारे पास जो दो एसेट्स हैं, एक वादी गुरेज है और दूसरा जो जिले वुलर है, तो वो एशिया का सबसे बड़ा लेक है और इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम वुलर झील की बात करेंगे, इसमें जो वुलर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उन्होंने इसमें ड्रेजिंग का एक मरबूत प्लान तरतीब दिया है, जिससे इसकी जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी वो बढ़ गई है। साथ में एक वॉकवे बनाया गया है और उसके एंड पर एक डेल्टा पार्क को डेवलप किया गया है, कुछ हट्स भी बनाई जा रही है, एक पार्क बनाया जा रहा है। इसके अलावा वुलर विंटेज पार्क को जो वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी और फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट मिलके चला रहे हैं, वो एक अच्छा टूरिज्म का पोटेंशियल इससे दर्शाता है और एक अच्छा पॉइंट है जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए, अगर बांडीपोरा की बात करें, बांडीपोरा इज हैविंग ह्यूज पोटेंशियल सो फॉर टूरिज्म इज कंसर्न। जहाँ तक होम स्टेज की बात है, गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव होम स्टेज को लेके लिया, चाहे हमारा कैथसन हो, हमारा जुरिमंस हो, हमारा अरागम चिट्टीबांडी एरिया हो, गुरेज हो, बांडीपोरा के और डिफरेंट प्लेसेस पे जो होम स्टे का अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने करवाया, उससे क्या हुआ कि उससे एक लोकल टूरिज्म बूस्ट हुआ। जो हम हर बार कह रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन इस होम स्टे की वजह से ही हमें अनएम्प्लॉयमेंट से लोगों को बाहर आते हुए दिखा। देखिए, बेरोजगारी कम्प्लीटली खत्म तो नहीं हो सकती अगर हम टूरिज्म की बात करें, बट एक राहत मिल सकती है, अपनी ब्रेड अर्निंग हो सकती है। अगर हम देखें, हमारे पास वुलर है, हमारे पास कैथसन है, हमारे पास गुरेज है, हमारे पास अठवतु है, होम स्टे से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और ऐसी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को, अपने वाले आने वाले जनरेशन को, अपनी फैमिलीज को पाल पोस सकते हैं। टूरिस्ट के लिए मेरी यही मैसेज रहेगी कि बांडीपोरा एक ऐसी डेस्टिनेशन जो वर्जन प्लेस है, आप आ सकते हैं। आपके दिमाग में ये होगा हम कहाँ बैठेंगे, हमने यहाँ पे बांडीपोरा के लोकल्स से यहाँ पे होम स्टेज का अवेलेबिलिटी रखी है, आप आ जाए, लुत्फ अंदोज हो जाए यहाँ के कुदरती नज़ारों के साथ एट अफोर्डेबल प्राइसेस। बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां भी देखने को मिलती रहती हैं, मगर इसके बावजूद टूरिज्म में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। एएनआई की कर्टसी से आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, ऊपर भी देखा बहुत अच्छा लगा, यहाँ का लोग भी बहुत कॉपरेट हैं, देखा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं बाकी आपके साथियों? यहाँ गुलमर्ग में आइए और एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, कपल हैं तो कपल के साथ आइए, टीम में यदि बिजनेसमैन है तो टिप पे आ सकते हैं, बहुत बढ़िया जगह है। पहली बार कश्मीर आए? हाँ, पहली बार आए, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो गुलमर्ग हो के आप आए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके गुलमर्ग का? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, पहले वैष्णो देवी का दर्शन किया, उसके बाद गुलमर्ग आए कश्मीर होते हुए, श्रीनगर होते हुए। हम बेंगलुरु से आए हैं, आज अभी सुबह गुलमर्ग जाके यहाँ पे आए हैं फॉल्स देखने के लिए। गुलमर्ग का क्लाइमेट भी अच्छा था बहुत, और माहौल भी बहुत सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत अच्छा लगा। फेस वन में भी जाके घूम के आ गए, बहुत बढ़िया था, और कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, सब कुछ ठीक ठाक था। जो आपके साथी है आपके डिस्ट्रिक्ट से, उनके लिए क्या कुछ मैसेज है आपके जी? मैं कहूंगा यही कि न्यूज में जो भी आता हुआ आता है उस पर कुछ
आप जो है उस पर कुछ देख करके जो है आना वगैरह जो है कैंसिल मत करें, मना ये नहीं करें, बस आए कश्मीर घूमे, कश्मीर की वादियां बहुत खूबसूरत हैं, आए कश्मीर के वादियों का मजा लें, बस यही मैसेज सब ऑल पूरे इंडिया में यही मैसेज देना चाहूंगा कि आ जाएं कश्मीर के वादियां घूमें। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जहाँ जहाँ पे हम लोग गए बात करने में और उनके लहजे में और उनके हर एक इसमें जो है बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टिसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।